जी दोस्तों, मेरे पास कुछ जॉब्स की इन्फॉर्मेशन है। टर्की का है, टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न कॉरपोरेशन, उसमें जॉब्स हैं। जैसे हमारा पीटीवी और रेडियो है, इस तरह टर्की का भी है, टीआरटी के नाम से जो है ना वो पॉपुलर है। तो उसमें जो अवेलेबल जॉब्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो उसमें आप कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें कई पाकिस्तानी जो है वो उनके साथ इस्तांबुल में जो है वो काम कर रहे हैं, टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न कॉरपोरेशन के साथ। ये इंग्लिश मीडियम है और इसमें डिफरेंट वैकेंसीज हैं। नंबर वन जो है वो वीडियो एडिटर की जॉब है, और इसको इस महीने की 31 तारीख तक जो है लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की। और सिर्फ वो लोग अप्लाई करें जिनका इंग्लिश का जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा है, उसका स्पोकन भी और जो रिटन है वो अच्छा है। उसमें जो पहले दोस्त वहाँ पे गए हैं उनका भी यही सिस्टम है कि इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वीडियो एडिटर्स की, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद है सीनियर रिसर्चर। इस पोस्ट की जो भी 31 तारीख है लास्ट डेट जो अप्लाई करने की, और ये इस्तांबुल में बेस्ड जॉब है। तो इसके लिए भी दोस्त जो हैं जिनका एक्सपीरियंस है और वो इंग्लिश में कर सकते हैं वो इसमें अप्लाई करें। और इसके अलावा जो मज़ीद जॉब हैं उसमें सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, जी सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट की भी 31 अगस्त लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसमें ये भी बेस्ड है इस्तांबुल, टीआरटी वर्ल्ड रिसर्च सेंटर इस्तांबुल में जो है वो इसकी पोस्टिंग होगी, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। तो उसके बाद है पब्लिशिंग एडिटर है, और उसके अलावा टैलेंट एंड स्कॉलरशिप मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, असेसमेंट स्पेशलिस्ट है, ई लर्निंग स्पेशलिस्ट है, और वेब एडिटर भी की पोस्ट भी है उनके पास। और वेब एडिटर की जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 24 अगस्त है। तो आज 19 है, तो उसी हिसाब से जो है पीछे 5 दिन बचते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है अवेलेबल है वो है आउटपुट प्रोड्यूसर की जॉब है, और इसकी रिक्वायरमेंट ये फर्स्ट ऑफ सितंबर तक इस पोस्ट के लिए जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और इसमें जो है बिल्कुल दोस्त करें जिनको ज़रूरत है और जिनमें टैलेंट है, जो इनका रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं वो इसमें अप्लाई करें। और इसका लिंक मैं देता हूँ आपको वीडियो के जो कमेंट सेक्शन, उसमें करता हूँ। जो पेज खुलेगा उसमें एक लाइन में वो टर्किश लैंग्वेज में लिखा है, जैसे सीनियर रिसर्चर है तो वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और उसके साथ टर्किश लैंग्वेज में। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट आ जाएंगी। तो रिक्वायरमेंट और डेट देख के आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक रोलिंग सिस्टम भी है एम्प्लॉयमेंट का, कि उनकी वेबसाइट पे आप जाएं टीआरटी, और उस पे जॉब पे क्लिक करेंगे तो एक पेज उन्होंने दिया हुआ है जिस पे डिफरेंट सेक्शन है, वो उस पे उन्होंने बताया है कि किस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं आप उनके लिए किसी भी जॉब के लिए जो है परफेक्ट है, डिलीवर कर सकते हैं, तो उसमें कर सकते हैं। उन्होंने प्रोसीजर दिया, अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन फॉर द जॉब इफ़ योर एप्लीकेशन मीट द रिक्वायरमेंट, फिल आउट द पर्सनैलिटी टेस्ट। ये ऑनलाइन ही होगा सारा। ज्वाइन द ह्यूमन रिसोर्सेज इंटरव्यू,
और ये भी ऑनलाइन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो लैंग्वेज टेस्ट है, और उसके बाद है कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, और टेक द स्किल टेस्ट भी है इसी में। और अगर ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर आपको जो है वो वेलकम करेंगे, ज्वाइनिंग के लिए ऑफर करेंगे। तो दोस्तों से मैं यही कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो मीडिया जॉब इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, बल्कि जो हैं वो भी मसला बना हुआ है। किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, और कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जहाँ डाउन साइजिंग की खबर ना आए किसी इदारों में, मुख्तलिफ इदारों में पाकिस्तान के। तो आप बिल्कुल अप्लाई करें और इसमें अपना ट्राई और बेस्ट एंड ट्राई योर लक। थैंक यू सो मच।